स्वागत नहीं करोगे हमारा? मजा आ रहा है दोस्तों। यहाँ से लेंसरॉन है 18 किलोमीटर तो इस बार हम लोग जा रहे हैं भुल्लाताल। इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही। सच कहते हैं यार, पहाड़ों की बात ही अलग है। इतना सुकून, इतनी शांति है ना। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और 6:30 बज रहे हैं अभी, और आज हम लोग जल्दी उठ गए सबके सब, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है पिकनिक पे। आज हम लोग जा रहे हैं लेंसरॉन घूमने। बच्चे भी बहुत टाइम से कह रहे थे कि पिकनिक चलते हैं, उनके भी स्कूल खुलने वाले हैं और मैं भी आई थी, तो दीदी लोगों ने सोचा चलो आज चलते हैं लेंसरॉन घूम के आएंगे। और मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, और चिड़िया की आवाज़ ही तो प्यारा लग रहा है ना। चलो अभी मैं चलती हूँ अंदर और आपको दिखाती हूँ दीदी क्या कर रही है। आ जाओ देखो, सुबह के 6:30 बजे दीदी ने सब्जी बना के रखी है और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और ये बच्चे यहाँ पे दूध पी रहे हैं। अंजू आप एक्साइटेड हो पिकनिक जाने के लिए? नहीं ओमी, आप बहुत ज़्यादा। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और बस अब निकल रहे हैं। खाना वाना रख दिया है, स्नैक्स रख दिए हैं, बाकी जो नहीं मिलेगा रास्ते से रख लेंगे। हाँ, और ये देखो मेरा लैपटॉप, ये भी मेरे साथ साथ चल रहा है। इतनी मस्त आ रही है ना। चलो अब निकलते हैं घर से। तो अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं। तो पापा हम कितनी देर में पहुँचेंगे पिकनिक? घर से निकलते ही पिकनिक स्टार्ट हो गई, सही बात है। बारिश होने के बाद ना देखिए धूप पड़ती है तो देखिए एकदम मस्त। ये है मेरा छोटा ब्लॉगर, बहुत जल्द आप इसे भी यूट्यूब पे देखेंगे। ये देखो कितना सुहाना मौसम है, मजा आ रहा है। नहीं चुन रहे हो बहुत, नहीं चुन रहा। हेलो, पहला वो देखा है यूट्यूबर देखा असली में। तो अभी अभी मैंने देखा यहाँ पे कोटद्वार के यूट्यूबर सुयश ब्लॉग्स। हम पेट्रोल पंप में रुके थे, दीदी ने मुझे बताया कि वो हैं, तो अभी हमने देखा, उन्हें हाथ हिलाया, उन्होंने भी हाई किया। हम पहली बार को यूट्यूबर देखा इसे सामने से, चला गया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगी। जो लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, जिन्हें पहाड़ बहुत पसंद है और बार बार शिमला मनाली या फिर मसूरी जाके बोर हो चुके हैं, और किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं, उस जगह का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसकी ब्यूटी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए लेंसरॉन से बढ़िया जगह है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगी आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कितना टाइम लगता है और यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सफ़र को भी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ऐसे और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लेंसरॉन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की खास बात यह है कि ये मनाली और शिमला की तरह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ भीड़ भाड़ भी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर हिल स्टेशन, जिससे आप यहाँ की ब्यूटी को और अच्छे से देख पाओगे। लेंसरॉन ब्रिटिश राज्य के तहत एक सैन्य चौकी के रूप में स्थापित किया गया था, और जहाँ आज भी शहर में गढ़वाल राइफल्स हैं। ये शहर 6 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1780 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, बाय रोड, बाय रेल और बाय प्लेन। मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ आते हैं तो बाय रोड या फिर ट्रेन से ही आइए, क्योंकि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो कि जॉली ग्रांट देहरादून में है, वैसे आपको वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी मिल सकती है लेंसरॉन के लिए। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा कोटद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि लेंसरॉन से 34 किलोमीटर दूर है, और ये पहाड़ जाने के लिए आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। वहाँ से आपको लोकल टैक्सी या फिर बस आसानी से मिल जाती है। अगर आप दिल्ली से अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो मेरठ, खतौली, बिजनौर, नजीमाबाद, कोटद्वार होते हुए लेंसरॉन पहुँच सकते हैं। दिल्ली से लेंसरॉन लगभग 265 किलोमीटर है, तो आप आसानी से यहाँ आके अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन या बस से आते हैं तो आपको यहाँ लोकल घूमने के लिए टैक्सीज इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं जो जंगल सफारी भी बुक करते हैं। आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
यहाँ आपको हिमालयन वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है और आप नेचुरल ब्यूटी का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ ज़्यादा होटल्स तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा होटल आपको 1,500 से 2,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। अब तो यहाँ पे होम स्टेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको घर जैसा फील आएगा होम स्टेज में, घर का खाना खाने को मिलेगा, साथ में आप पहाड़ी थाली का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप यहाँ पे ताड़केश्वर मंदिर भी जा सकते हैं, ये बहुत ही पुराना शिव मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, यहाँ आपको ओक ट्रीज देखने को मिल जाएगा। यहाँ हर मौसम में आया जा सकता है, काफ़ी सही मौसम होता है यहाँ का। यहाँ पहाड़ों पर बादल देखने को मिल जाते हैं और ये जो नज़ारा होता है ना, उसके तो कहने ही क्या। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि उस दिन मैंने वहाँ क्या क्या किया। ये देखो हमारा स्नैक्स आ गया है और ये बच्चों की पार्टी शुरू हो चुकी है। पार्टी टाइम। पार्टी टाइम। चलो खोलो और मुझे भी दो एक। तो गाइस जो कोटद्वार से लैंसेरॉन की दूरी है वो है 42 किलोमीटर्स और अभी जिस जगह पे हम लोग रुके हैं यहाँ से लैंसेरॉन है 18 किलोमीटर्स। तो अभी पीछे हमें ये जगह मिल गई थी तो हमने सोचा चलो यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं। दीदी ने सुबह उठ के खाना बनाया था तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। और ये देखो कितनी सुंदर सी जगह है, वो वहाँ पे ना लोग बैठे हैं कुछ, तो हम देखते अभी हम नीचे जाते हैं यहाँ पे बैठ के खाएंगे। अभी इस तरफ तो धूप आ गई काफ़ी, तो मुझे लगता है नीचे ही चलते हैं, वहाँ पे छाया है, रास्ता दिखाती हूँ। ये ऐसी सी जगह है, ये देखो वहाँ पे दो लोग बैठे भी हैं और हम भी अपना खाना और मैट लेके जा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखो यहाँ भी कचरा फैला रखा है, बताओ ये नहीं कि आके अपने सामान ले जाएंगे। वही तो। ओमी कैसा लग रहा है? मजेदार मजेदार। बस बस बेटा आगे नहीं जाना, यहीं पे बैठते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज तो अंशु और ओमी ट्विनिंग कर रहे हैं। तो ऐसी मस्त से स्पॉट में हम लोग रुके हैं और अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो स्टे ट्यून। अब ऐसे ले लिया, पेट पूजा हमने कर ली है यहाँ पे रुक के और अभी हम यहाँ नज़ारे ले रहे हैं। इतनी मस्त वाली हवा चल रही है ना, और अभी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा फोटो सेशन, है ना? फोटो करेंगे। हाँ, ये इतनी प्यारी जगह है ना कि हम यहाँ पूरा दिन बिता सकते हैं। बहुत देर हो गई है, सिर्फ नाश्ता करने के लिए रुके थे हम लोग और इतनी देर से हम फोटो सेशन कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। बच्चे और जीजू ऊपर हैं गाने वाने चला के और हम दोनों नीचे हैं, पांव फिसल रहे हैं, पूरा गीला गीला सा हो रखा है। पर ये जो जगह है ना, आहा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे ऐसे बस स्टॉप है, यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी थी, बस अब चलते हैं। ये देखो सनरूफ में जाने के लिए लड़ते हुए तीन लोग, माँ बेटे एक माँ और उसके दो बेटे। तो हम लोग निकल गए हैं लैंसेरॉन की तरफ। इतनी गर्मी लग गई ना, सिर्फ थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते हुए सांस फूल गई। तो फ्रेंड्स रास्ते में पड़ती है एक छोटी सी ये दुकान जिसमें एक अंकल बैठते हैं और यहाँ पे ना वो बॉयल्ड छोले सर्व करते हैं एज अ स्नैक्स और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। पहाड़ों में रोड ट्रिप की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इतने सुंदर सुंदर मेजमराइज कर देने वाले नज़ारे देखने को मिलते हैं और इसी से भरपूर है कोटद्वार से लैंसेरॉन का एक सुंदर सा सफ़र। सफ़र शुरू होते ही हमें इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। हरियाली से भरी हुई पहाड़ियाँ और बादलों का खूबसूरती को छूते हुए जाना, सच में ये एक बहुत अच्छा एहसास था। यहाँ के मौसम के बारे में सुनी हुई बात सच साबित हो रही थी और इन्हीं को मन को छू देने वाले नज़ारों के साथ कई बार हम बादलों के बीच से निकल रहे थे। क्या सुंदर व्यू है यहाँ से, मस्त है ना, अलग ही दिख रहे हैं ये पहाड़ और ये सीढ़ी नुमा खेत। वाह,
इतना सुंदर है। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये व्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। इतना अमेजिंग है, कहीं पे ब्लू बादल है, वाइट है, और कहीं पे काले बादल है, तो वहाँ पे भी छाया हो छाया आ रही है। और भी लोग रुक रहे हैं यहाँ पे, क्या अमेजिंग। कितनी बार आ चुके हैं हम लोग, इनके हर बार आओ तो अच्छा लगता है ना। पिछले बार हम लोग एक बार मैं जब आई थी दीदी लोगों के साथ, तब जीजू के बर्थडे पे आए थे हम लोग यहाँ पे। पर क्या व्यू है यार, मौसम हाँ, तुम लोगों के साथ ही आई हो। चूती का पेड़ लगे हैं, दिख रहे हैं ना। ये देखो फ्रेंड्स, ये चूती का पेड़, ये डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है, मैंने अपने घर पे भी लगाया ये एक। अगर अभी बहुत आई हुई है हर उसमें, इसके बीज खाते हैं। इस तरफ देखो, इसे अलग ही ऐसा लग रहा है, अलग ही दुनिया है भाई ये। कितनी सारी गाड़ियां जैसे हम रुके हैं अभी, कितनी सारी और भी सारी गाड़ियां रुक गई हैं सिर्फ और सिर्फ ये व्यू देखने के लिए। इतना मस्त व्यू है ना, ऐसे ऐसे सारे पहाड़ दिख रहे हैं, और बादल देख वहाँ पे, वहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं। मंदिर है शायद कोई, है ना, इतना सुंदर है। और ये सारे नीचे भी ये चीड़ के पेड़ है ना, छोटे 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 भी लगे हैं। और ये अभी कुछ किलोमीटर पहले से ही शुरू हुए हैं, इससे पहले कहीं पे भी नहीं थे। हरे भरे छोटे बड़े देवदार के पेड़ों के बीच छोटे छोटे पहाड़, घूमदार रास्ते, जहाँ तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। लेकिन लैंसीडोन में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि यहाँ आज भी पानी की किल्लत है। तो नीचे से पाइपलाइन गई हुई है, और फिर इस तरीके के ट्रक्स जो हैं वो टैंकर भर भर के ऊपर की तरफ पानी को सप्लाई करते हैं। यह वो रास्ता है दोस्तों जहाँ से ताड़केश्वर मंदिर के लिए जाया जाता है। सीधी जो रोड है वो लैंसीडोन के लिए जाएगी, और ये जो बोर्ड लगा है यहाँ पे, ये रोड जाएगी ताड़केश्वर मंदिर के लिए। हमने एंटर किया कैंटोनमेंट एरिया में। यह जो पूरा इलाका है वो सेना के अधीन है, और गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी है। आप यहाँ गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल और रेजिमेंट म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ गढ़वाल राइफल से जुड़ी चीज़ों की झलक पा सकते हैं। म्यूजियम शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। इसके करीब ही परेड ग्राउंड भी है, जिसे आम टूरिस्ट बाहर से ही देख सकते हैं। वैसे ये जो स्थान है वो स्वतंत्रता आंदोलन के कई गतिविधियों की गवाह भी रह चुकी है। कैंट एरिया की जो खूबसूरती है ना, वो देखते ही बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पे कैंट एरिया को ज़्यादा कवर नहीं किया, मैंने ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं की, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपने कैंट एरियाज़ को कॉन्फिडेंशली ही रखना चाहिए ताकि वो बेहतर रहे। देखो यहाँ से लैंसीडोन का मार्केट स्टार्ट हो गया। तो हम लोग फिर से एक जगह पर रुक गए हैं, और ये है भुल्लाताल जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों को टिप्पन टॉप भी जाना है, लेकिन हम इतनी जगह रुक रुक के जा रहे हैं, ऐसे मौसम के मज़े लेते हुए जा रहे हैं, तो हमें लेट हो रहा है। तो अभी हम लोग रुके हैं भुल्लाताल में, तो चलो आ जाओ देखते हैं। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ वैसे, पिछली लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग टिप्पन टॉप गए थे, लेकिन भुल्लाताल नहीं गए थे, तो इस बार हम लोग जा रहे हैं भुल्लाताल। यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अमेजिंग है ना, कभी ऐसे धूप आ जा रही है, कभी से बादल लग जा रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, चेंज होता जा रहा है, बहुत अमेजिंग है। अभी देखो कितनी तेज़ धूप आ गई ना अचानक से, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। भुल्लाताल हमारे पहाड़ी में, भुल्ला किसको बोलते हैं बताओ, छोटे भाई। भुल्लाताल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट में। दरअसल ये एक छोटी सी आर्टिफिशियल लेक है जो बारिश के पानी से भरी जाती है, या फिर पाइपलाइन के थ्रू। एक किनारे से 20 फीट और दूसरे किनारे से 15 फीट गहरी है। आप यहाँ पे पैडल बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी है, साथ में अंदर डक्स रखे हुए हैं, हैमस्टर्स हैं, खरगोश हैं, कबूतर हैं, और काफ़ी अच्छे झूले भी हैं बच्चों के लिए। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया, अब जा रहे हैं हम लोग बोटिंग के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने के चक्कर में जो हमसे पीछे वाले टिकट लिया था जिन्होंने, वो आगे जा चुके हैं। आ जाओ अब, फिर से भाग गए थे। हम लोग बस वेट कर रहे हैं अपनी टाइम का कि कब आएगी, कब आएगी। ये
की देखो बोट से तक खाली हो रही है, बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे, गलती कर दी है ना, बहुत टाइम लग रहा है, बच्चे का भी पड़ा है। ओम देखना कैसे डर के मारे बैठा मैं। अंशु डायरेक्शन आप दो, हम पैडल चलाते हैं। जुड़े थोड़ी देर तू चला, थोड़ी देर मैं चलाऊंगी। मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ये पहन ली है मिट्टी ड्रेस, तो ऐसे पैडल मारने में ऐसे स्कर्ट उठ रही है, तो मैं नहीं चला रही हूँ, ये लोग ही चला रहे, दीदी और अंशु। अब मैं यहाँ पे सबको सलाह देना चाहूंगी, अगर आप कभी बोटिंग के लिए आए तो प्लीज अच्छे वाले कपड़े पहन के आए। मैं ऐसे मिट्टी ड्रेस पहन के आई तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये सब मुझे गालियां दे रहे हैं कि तू तो चला नहीं रही है और हमें चलाना पड़ रहा है, देखो बच्चे से चलवा रहे हैं, मैं चला ही नहीं पा रही हूँ। नहीं बेटा मैं यही ठीक हूँ। ये हमारा पायलट है और ये को पायलट, और हम दोनों पैसेंजर। कैसे लग रहा है हालत खराब हो गई, नितांश मजा आ रहा है, इसे मजा नहीं आ रहा क्योंकि इसे चलाने का मन नहीं कर रहा। चलते हैं, हम जल्दी चलते हैं, किसी का भला हो जाएगा। वही तो कह रही, जल्दी चलते किसी का भला हो जाएगा, किसी का नंबर लग जाएगा। तो बोटिंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही ज्यादा बुरा रहा, कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे, टिकट्स लेके कोई भी कभी भी कैसे भी जा रहा था, कोई नंबर से नहीं जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और जितना सुखना लेक में मज़ा आया था ना मुझे चंडीगढ़ में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया यहाँ पे। इसकी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि इसी ने वोटिंग भी मैंने की, वीडियो भी मैंने बनाया, हैंडल भी मैं ही मैनेज कर रही थी भाई मेरी हालत, और अपने बच्चों को भी देख रही थी कि कहीं मेरे बच्चे इधर उधर में लटक जाए। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, मज़ा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। सही बात है, इन्हें मना कर दूँ कि वहाँ पर जाओ मत, मत जाओ बोलो, टाइम वेस्ट, थक गए हम इतनी देर खड़ा करके रखा और बिल्कुल मजा नहीं आया, सिस्टम भी नहीं बना रखा। भुल्लाताल से निकलने के बाद हमने सोचा क्यों ना सामने वाली पहाड़ी पे ट्रैक किया जाए, काफ़ी छोटी पहाड़ी थी, हमने सोचा ट्रैक करके चलते हैं और फिर वहाँ फ़ोटोज़ लेंगे। लैंसीडोन एक बहुत ही शांत टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ कई छोटे छोटे ट्रैक हैं जहाँ टूरिस्ट ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, ये हमारे दो छोटे ट्रैकर्स। फाइनली हमारी ट्रैकिंग खत्म हुई, ये जगह ट्रैकिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। चील, देवदार, बुरांस और बाज के जंगलों से ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचने की अलग ही फीलिंग थी। ये जगह कैंपिंग के लिए भी बहुत सही है, आप यहाँ आके कैंपिंग के भी मजे ले सकते हैं। लैंसीडोन से अच्छी बहुत कम जगह मिलेगी आपको नेचर वॉक के लिए। इस जगह पैदल चलना, हरे भरे नेचर को देखना, पुराने बंगलों को देखना, यहाँ के मौसम को बदलते हुए देखना, नेचर के बदलते हुए रूप को देखना अच्छा लगता है। इस जगह पर पहुंचकर आपको असली हिल स्टेशन की होने की फीलिंग आएगी, शांति और सुकून का एहसास होगा। इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे टिप्पन टॉप के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो जाता इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आप फ्री है ना तो लैंसीडोन की ट्रिप जरूर प्लान कीजिए, क्योंकि ये जो मौसम है ना काफी ज्यादा अच्छा है इस टाइम पे छुट्टियां लैंसीडोन में बिताने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा टिप्पन टॉप का। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल, टाटा।